हम पे तो यार बैग तो रखनी सर में, तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर पैदल चलना है। बोले कुछ बताऊंगा इस वीडियो में भैया, ये बैग मेरे पैसे कटवा लो। और इस टाइम है ना डोर मैट्री मिल रहा है, डोर बहुत मजा आ रहा है। इतनी तेज ठंडी सी लग रही है एकदम भाई, देखो पहाड़ तो निकले थे 12 बजे के, 7 बज चुके। एक बंदे के लिए 500 रुपए, दो सोन पर आता। लगातार गाड़ी चलाई हमने और बहुत लंबा सफर था। कर बहुत ते लग रही है, बहुत ते भूख, मगर ना ऐसा लग रहा नहीं है, भूख लग रही है मगर मेरे बर्फ की आइस आ रही है। इतना ठंडा पानी नलका जो गंगा जी से आ रहा है प्रॉपर। ओ जी दोस्तों, ओह माय गॉड, खड़ी गया तो इसको कितनी करवा पापा, फुल है भाई, फुल कर दो। अब देखते कितने का आता है, बैग तो पूरा टेढ़ा हो गया। आए ये कहाँ से टेढ़ा भाई, देखो पहाड़ों का व्यू देखो भाई। यहाँ पेट्रोल पंप मिल गया, जैसे पेट्रोल पंप होता है गाड़ी ने साथ दिया अपनी बम्बल ने, मतलब भाई यहाँ तक पहुँच चुके हैं अपनी बम्बल से। बस अब पहले मथुरा में टंकी फुल हुई, अब यहाँ पे हो रही है। हाँ सात सौ का, तो इसमें पहले से बड़ा था 701। चलो कह दो लाओ भैया, चलो तुम चलाओ, पापा चलाएंगे अब, क्योंकि भाई साहब मजे तो बहुत आ रहे हैं। बैठ रहा हूँ, अब चलाएंगे पापा और हम बैठेंगे पीछे। स्टैंड लगाओ, ये सीट बहुत बेकार है यार, इसने ना चूतरों में दर्द कर दिया, मेरे हालत ख़राब हो गई। और पापा के बैठ बैठ ना बेकार है, चलाने में मज़े आ रहे हैं मगर। चलो भाई, अरे अरे आराम से आराम से आराम से आराम। देखो यहाँ से ना सारी रूट की बस मिलेंगे, बद्रीनाथ केदारनाथ सारी बस देखो यहाँ पास है। नंदा देवी एक्सप्रेस देखो भाई, भोले जी की मूर्ति है यहाँ पर, कितनी बड़ी शिवलिंग है एकदम भाई, व्यू मस्त आ रहा है यहाँ से, चेक करो। धूप बहुत तेज पड़ रही है एकदम, यहाँ से गंजी है नींबू पानी पी रहे हैं अभी। गाइस देखो कितना ऊँचे ऊँचे पहाड़ है भाई, देखो यार पूरा रास्ता एकदम कर्व 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 भाई, मज़े आ रहे हैं एकदम एडवेंचर बहुत। गाइस अभी है ना देखते विभाग में आ चुके हैं, और देखो ये व्यू चेक करो भाई, देखो कितना प्यारा लग रहा है। गंगा जी जा रही है यहाँ से, क्या मस्त व्यू आ रहा भाई। केदारनाथ बस देखो, 43 किलोमीटर रह गया है, पहुंचने वाले भाई, भगत नगरी केदारनाथ, हर हर महादेव, मजे आ रहे एकदम बाइक पे घूमने में बहुत ज्यादा। ओह नीचे नीचे प्रॉपर ताज आ रहा, पहाड़ों से आ रहा पानी है। देखो चेक करो गाइस, क्या मस्त है, ला दो पिला दो सही। हैरान जन्नत जैसा पानी है, एकदम ऊपर से पहाड़ों से पानी आ रहा है, नेचुरल पानी कहते भाई इसे। आए हाय अलग कोई सिस्टम ही नहीं है, ऊपर से ऑटोमेटिक पहाड़ों से पानी देखो।
गाड़ी आ रही है। साइकिल से यात्रा कर रहे हैं भाई, केदारनाथ कर रहे हैं भाई, केदारनाथ यात्रा हुई साइकिल से भाई। देखो जुनून हो ना भाई, किसी से भी चले आओ, पैदल चले आओ, बाइक से चले आओ, साइकिल से चले आओ, हम तो बाइक से जा रहे हैं। सबका अपना अपना मन है और अपना अपना धन है, जो जिससे जाना चाहे उससे जा सकता है। वो कहते हैं ना मुझ पर कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लोग देखो साइकिल से जा रहे हैं। अब तुम ये सोचोगे भाई मुझ पर कार हो या बी आई पी लग्जरी वो हो तभी जाऊँगा मैं, भाई ऐसा कुछ नहीं है। बोर्ड लग रहा है, अरे नहीं अब सही है, कह जाओ मजा आ रहा है। मार्केट में हो गया रास्ता, देखो मार्केट में से अंदर होके रास्ता है। पाँच बज गए, 20 मिनट है 5 बजने में, 20 मिनट है अभी, क्योंकि यहाँ चढ़ाई बहुत है। ऐसा लग रहा है एक जैसा रोड कितनी बार आ चुके हैं। ठंडा मौसम बहुत हो गया, ठंड लग रही है ना, बारिश हो रही होगी, गारंटी जैसा अपने ट्रैक सूट पहन रखा है। ये बात यह है, यहाँ बारिश हुई है लगता है मुझे, क्या मस्त व्यू आ रहा है गाइस। आहा भाई साहब, यहाँ पे तो स्वेटर निकालने पड़ेंगे अब तो। वही तो धीमे धीमे चला रहे हैं, रपटना हो रहा है ना, इसलिए भीग नहीं है। हाथ लग गया उसके बैग से, वो ट्रक वालों तेज स्पीड में आ रहा तो देखना। अरे ये तो खतरे का रोड है, डेंजर डेंजर, यही तो कट है। ओह शिट,
काम चल रहा है हम यहाँ पे। हाँ यही डब्बा किसके ट्रक के बस चल तो रहा हूँ। भाई साहब देखियो एक ही लो ना या तो बस निकलेगी यहाँ से। क्या हो गया कहाँ से हो आप भाई? कहाँ से? दिल्ली से। मैं मद्रास से। केदार जा रहे होंगे? केदार सही है। मैं यहाँ का मौसम का हाल तो कुछ अलग ही लग रहा है। मौसम का हाल तो कुछ अलग ही लग रहा है यहाँ का। बारिश से भी ज़्यादा ये ऐसा लग रहा है ओले पड़ेंगे। बर्फ बर्फ की बरसात होगी। अकेले नहीं पापा के साथ हूँ। पापा हैं। तो उतरे क्या होते? बैठो उतरे क्या जल्दी बैठो बैठो उतरे उतरे क्या होते तुम उतरे क्या होते फिर? हाँ डायद हो जाता है। मैं क्या करें मजबूरी है। हाँ जे पाँच जे 50 किलोमीटर है ना बहुत कठिन पड़ेंगे। अब ये 2 घंटा जितने इस टाइम क्या हम पे कैंप की नौटंकी नहीं होती ना कैंप की तो हम सुबह ही निकल के पहुंच जाते अब तक। और सुबह सुबह इतनी भीड़ अब गाड़ी आएगी ब्रेक लगेंगे फिसलेगी गाड़ी। सीधी बात तो ये सबसे पहले आगे वाले ब्रेक लगा देते हम लोग बस फिसल जाती है गाड़ी। मैं तो लगाता ही नहीं हूँ सुनारे। ओवरटेक करूँ अरे गिट्टी पंकड़ देखो माँ का मौसम देख रहे हैं कैसा हो रहा है। वो उधर की तरफ ये कह जाना तभी तो मौसम खराब हो रहा है।
यार टेंट वेंट की व्यवस्था, टेंट के चक्कर में और अभी जाके टेंट कहाँ से मिलेगा। हम तो गौरी सोन प्रयाग में रुकेंगे, फिर वहाँ से वहाँ चढ़ाई अभी करेंगे क्या? खच्चर है, खच्चर घोड़े हैं, घोड़े। हर हर महादेव, महादेव की नगरी में आ गए अब हम। महादेव की नगरी में आ गए, आप दिखे घोड़े हमें। रैम घोड़ी रे। हाँ अब तुम रुको, हो रहा है साइड में लेना, ऐसे मत लगेगा, उतरो तुम जाओ। बारिश हो रही है इस टाइम यहाँ पे, तेज़ी से बारिश तेज़ हो गई यार, तौलिया ले आऊँ। बारिश तेज़ हो गई पापा, टेंट नहीं मिल पाएगा, बारिश तेज़ हो गई। ये क्या है, पिन्नी? फाइनली यार अपना पूरा बैग पैक तो पैक कर लिया था, उस टाइम बारिश हो गई थी तो मैं ब्लॉगिंग बंद कर दी थी, और फाइनली हमें ना बारिश बंद होने के बाद फाइनली हम पहुंच गए सोन प्रयाग, क्योंकि हमने यार रेनकोट ले लिया था। सोन प्रयाग पहुँच गए यार, चेक करो यार पूरी पार्किंग है सोन प्रयाग की, देखेंगे आपको ऊपर जाके वो भाई साहब देखो पूरी पार्किंग में आते हैं। बोर्ड भी दिखाता आपको सोन प्रयाग का, अब वहाँ पे अपनी बाइक खड़ी करेंगे, पहले पूरे कपड़े और बाइक गंदी हो गई यार, आधी रास्ता तो इतनी बेकार थी, जो रिक्स थी ना सिंगल वे रोड हाईवे पे रिक्स बहुत, वो सिंगल रोड बेकार, इतनी बेकार थी बहुत ज़्यादा। मेरी भाई पार्किंग सोन प्रयाग की, और गाइस अभी ना सोन प्रयाग में आ गया, और जस्ट अभी मैंने पर्ची कटवाई है 48 घंटे तक अपनी गाड़ी रहेगी, तो 200 रुपये की पर्ची कटी है। और देखो ये अपनी खड़ी बम्बल पूरी पार्किंग, और देखो ZX6R खड़ी है कावासाकी, ZX300 पता नहीं कौन सी मिल जाएगी। ओ भाई अब चलते नीचे, तम्बू लेगा अपना बैग, सब्सक्राइब और लाइक कमेंट कर दो। नाथ में आ चुकी, तो अभी है ना फाइनली सोन प्रयाग में, और इस टाइम गाड़ी पार्किंग में लगा दी। अभी यार हेलमेट है हम पे, तो यार बैग तो रख नहीं सकते, इतना ठंडा मौसम हो रहा है, भाई कोहरा भी आ रहा है, तो अभी इस टाइम है ना अपने हेलमेट, दोनों हेलमेट अभी रखेंगे यहाँ पे लॉकर में, तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर पैदल चलना है। पहुंच गए ढकने वाले जी की बम बम बोले
यार हेलमेट यहाँ पे बहुत सारी दुकान है, कहीं पे भी आप हेलमेट रख सकते हैं, बैग रख सकते हैं। सबका चार्ज अलग है, पर बैग का 150 रुपये, ट्रॉली बैग का 150 रुपये, हेलमेट के 50 रुपये, जो भी बड़ा उसके एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे। देखो यार कितने सारे होटल हैं, व्यू चेक करो भाई, गजब मजा आ रहा है। गाड़ी मिलेगी, गाड़ी पहुंच जाएगी वहां पे, फिर वहां से चाय चलेंगे। अब हेलमेट जमा करते हैं, फिर 1.5 मीटर ट्रैक करेंगे आगे। गांव के यार सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में भैया। ये भाई भैया पैसे कटवा लो भाई। जस्ट है ना, अभी शाम के टाइम है ना, यहाँ से 500 मीटर आगे जाना वहाँ से ना, फिर हमें गाड़ी लेनी है। मगर अब शाम के टाइम हमें जाने नहीं देंगे ये लोग, क्योंकि यहाँ बेहतर लाइन लगती है यहाँ पे। और इस टाइम है ना डोर मैट्री मिल रहा है, डोर मैट्री का एक बंदे का प्राइस है 500 रुपये। कमरे अभी मैंने चेक नहीं करे कितने मिल रहे, तो मैं कह रहा हूँ हम एक ही जने, एक ही इतना बड़ा डोर मैट्री तो 500 रुपये रह लेंगे। अभी बारिश आने लग गई हल्की हल्की, अब खाएंगे चाय और पकौड़े यार, पराठे। भूख बहुत तेज लग रही है मुझे, व्यू चेक करो क्या मस्त नज़ारा आ रहा है यहाँ का। देखो भाई अलग फील आ रहा है, देखो भाई बहुत मजा आ रहा है। इतनी तेज ठंड सी लग रही है एकदम भाई, देखो पहाड़ ठंड लग रही है, बहुत तेज ठंड। अभी शाम के कितने बज चुके हैं, ठंड शाम के टाइम हो रहा है, अभी पूरा दिन हो गया। मैं सोन प्रिया पहुँचते पहुँचते निकले थे 12 बजे के, 7 बज चुके। मम्मी तो मम्मी का फोन मिला, मम्मी का फोन आ रहा है इस टाइम, तो बात करो। मैं लगा दिया, मैं लगा दिया। तो अभी हमने ना यहाँ पे हेलमेट रखे थे, तो यहीं पे ना हमने डोर मैट्री ले ली। इस तरीके से होती है डोर मैट्री, एक बंदे के लिए 500 रुपये, दो बंदे के लिए 1000 रुपये। तो मैंने कि पापा आके देख लेना कहीं यहाँ होटल में देख लेना, पापा कह रहे यार मुझ पे नहीं चला यार, क्योंकि थक गए, क्योंकि हरिद्वार से लेके भाई सोन प्रिया था लगातार गाड़ी चलाई हमने, और बहुत लंबा सफर था। और ऐसे ऐसे ट्रैक आए भाई साहब, बहुत हालत ख़राब हो गई एकदम। आधी रास्ता पापा ने चलाई, कहीं मैंने चलाई, मैं मजा आया जो भी आया, जैसे कि पहुंच गए मतलब सोन प्रिया 80-90 स्पीड में भगाई, मगर कर बहुत थे हैवी हैवी वाले। अब क्या है कि यहाँ पहुंच चुके हैं और डोर मैट्री ले ली, ये रखे बैग इस टाइम। और मुझे लग रही है बहुत ही भूख, मगर ना ऐसा लग रहा नहीं है, भूख लग रही है, मगर घूमने में मज़ा बहुत आ रहा है। अब कुछ खाने चलते हैं, और पेंट देखना पूरी गंदी हो गई, देखो यहाँ से पूरी पेंट गंदी हो गई। चलते बाहर अभी, और भाई साहब इतना ठंडा मौसम हो रहा है, हाथ धोने इससे ठंड लग रही है, हाथ धोने के बाद जैसे हाथ धोना ऐसा लग रहा है भाई कहाँ से बर्फ की आइस आ गई है भाई, इतना ठंडा पानी। क्या क्या खाने के लिए कितना, ओहो बढ़िया बढ़िया, और स्पेशल कुछ अच्छा खाऊंगा भाई। मैंने हरिद्वार में खाना खाया था, वहाँ पे भी सलाद के अलग पैसे लग रहे हैं, और यहाँ पे भी सलाद के अलग पैसे लग रहे हैं सोन प्रिया में, पता नहीं ऐसा क्यों। अपने मथुरा में तो भाई और यहाँ ये चरपरी हरी मिर्च दाल और चार तंदूर की रोटी, ये सिस्टम क्या है, मतलब सलाद का अलग अलग क्या सिस्टम है, हमारे यहाँ पे है ये क्या सिस्टम है, दाल खानी है। भाई फाइनली मैगी आ चुकी है, खाना खा लिया, और पहाड़ों में एकदम मैगी का मज़ा अलग आ रहा है। पानी इतना ठंडा है भाई यहाँ का, नल का गंगा जी से आ रहा है प्रॉपर।